अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जुन बदस्तर के ऊपर। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी जो कस्तूरी के ऊपर थी, और उसमें मैंने ये मेंशन किया था कि मैं आने वाले टाइम पे एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जो जो लोग कस्तूरी को अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए एक ऐसी मुतबादल चीज़ बताऊँगा कि जो उस चीज़ को इस्तेमाल करें तो आपको वो फ़ायदा मिलेगा जो कस्तूरी जितना फ़ायदा ले सकते हो। तो ये है जुन बदस्तर, ठीक है। इसको आप इस्तेमाल में ला सकते हो और इससे भी आप वही फायदे ले सकते हो जो कस्तूरी के अंदर बेनिफिट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं कि क्या चीज़ है, ठीक है। ये एक जानवर होता है जिसको औद बलाओ के नाम से पुकारा जाता है। उसके अलात तनासला के अंदर जो हदूद है ये वो होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये नरों के अंदर से निकलते हैं, आप इनको टेस्टिकल्स भी कह सकते हैं। उनके ये जो हदूद हैं इनको अगर ये ताज़ा होते हैं तो ये जर्दी माइल होते हैं और पुराने होकर ये स्याही माइल हो जाते हैं, ठीक है। इनको जब काट के लिए निकाला जाता है, अलहदा किया जाता है, तो इनको खुश करने के बाद उसके बाद इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल जो है, इसका जो फंक्शन है, सबसे पहले इसका जो है दर्जा तासीर, ये तीसरे दर्जे में गर्म है और तीसरे दर्जे में खुश्क है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी इसके अंदर है, बहुत ज़्यादा खुश्की है। और इसका जो मकाम पैदाइश कौन सी जगह से जहाँ से ये होता है, सब हेल्प आउट होता है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि जब सांप काट जाता है तो सांप के काटने के लिए जो वैक्सीनें बनती हैं, ठीक है, उसमें भी इसका इस्तेमाल, यानी इसके इस्तेमाल से वैक्सीन बनती है। जो सांप के काटने के ऊपर वैक्सीन लगाई जाए तो वो उसके जहर को ख़त्म करता है, तो ये इस जगह पे भी इस्तेमाल होता है। ये एक ऐसा मतलब एक असली हरारत है, एक ऐसी चीज़ है जो जिस्म के हर अंग में हर हिस्से तक हरारत पहुँचाता है, ठीक है। हर सेल तक जो है ना इसकी शिद्दत जाती है, इसकी हीट जाती है। तो जैसे कस्तूरी है, कस्तूरी में एक नशा है, एक पावर है, उसी तरह इसके अंदर भी वही फंक्शंस हैं। आप इसको भी उन जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पे आप कस्तूरी करते हो, उसके बेनिफिट्स यहाँ पे भी आप ले सकते हो। ये बाकी बात होगी जुन बदस्तर, इसको आप इस्तेमाल कैसे करोगे। ये मार्केट से 500 से मिल जाता है, ठीक है। इसको लेके इसको आपने पाउडर करना है, ठीक है। पाउडर आपने कबूतरबाजी के अंदर किसी जगह पे लगाना है, यानी कि इसको आमतौर पर हम हिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अगले दिन कबूतर उड़ाने और हमने ज़्यादा जोर मरवाना है, तो वो नुस्खा जो आप आम रूटीन में बनाते हो, आप उसके अंदर हल्का सा माचिस के तीले के ऊपर ये पाउडर उठा के उस नुस्खे में शामिल कर दो, तो इंशाल्लाह वो कबूतर पहले से ज़्यादा टाइम मार के बैठेंगे, यानी कि ये हिट मारने के लिए, जंप मारने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब आप इसको डायरेक्ट नहीं दे सकते, आप इसको नुस्खा जात में, यानी कि या आप खुराक, जैसे आपने बादामों वाली खुराक बनाई, ठीक है, और अगर सुबह कबूतर उड़ने और आज शाम को आपने कबूतरों की खुराक बनाई, तो अक्सर लोग जो है ना शाम को खुराक भी कबूतरों को उठवा देते हैं, 6-7 बजे के बाद हल्की फुल्की खुराक उठवा देते हैं। रात को 11 बजे जो है ना जब कबूतरों को नुस्खा जात लगाया जाता है, चेक किया जाता है, तो कई दफ़ा लोग कबूतरों को हल्की हल्की खुराक की एक आधी गोली भी उठवा देते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में शाम को 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, आप किसी भी टाइम पर आप इसको बादामों की खुराक में, रगड़ाई में, इसको भी हल्का सा रगड़ाई कर दो, यानी कि इसको आप हल्का फुल्का, अगर आपके 7 कबूतर हैं, ठीक है, तो एक काले चने के बराबर या उससे थोड़ी सी कम मिकदार में मिक्स कर दो, ठीक है। या माचिस के तीन के ऊपर एक कक दो कक उठा लो, एक दफ़ा उठा के हल्का सा, फिर दूसरी दफ़ा उठा के आपने डाल देना है 7-11 कबूतरों के लिए। तो उसके अंदर रगड़ाई जो आपने खुराक बनाई उसी में इसको भी रगड़ के मिक्स कर दो, तो अगले दिन इंशाल्लाह आपका कबूतर जो है, ठीक है, अगर सिर्फ सादा इसको इस्तेमाल करना है, किसी किस्म का नुस्खा नहीं लगाना है, तब भी कबूतर परवाज बढ़ा के, टाइम बढ़ा के बैठेगा। दूसरा ये जो है इसका एक और फंक्शन क्या है कि ये कुव्वत बाह में इस्तेमाल होती है बॉडी के अंदर। अगर हम इंसानों की तरफ जाए तो जहाँ पे बॉडी के अंदर स्पर्म्स डेड हो जाते हैं, बिल्कुल जो जरासीम ख़त्म हो जाते हैं, एक्टिव नहीं होते, उनको एक्टिव करने के लिए भी दवाइयों में इस्तेमाल होती है, ठीक है। वो मौजूद हैं, वो दवाइयाँ जो इस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं, बनाई जाती हैं, उनमें इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये उन स्पर्म्स को, डेड स्पर्म्स को रीएक्टिवेट करते हैं, दोबारा एक्टिव कर देते हैं उनको, काबिल से वो फिर आगे ज़िंदा हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे भी फंक्शन किया जा सकता है, यानी कि इसको देख के अगर आप इसको ऐसे नुस्खा जात में बनाएं, यानी कि जैसे अक्सर लोगों के पास देसी नुस्खा जात होते हैं, जैसे आपने किसी कबूतर को बुत ठीक करना है, किसी मेल कबूतर को फर्टिलिटी का इशू है उसको ख़त्म करना है, तो आप ऐसी चीज़ बनाते हो जिसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये यहाँ पर भी काम करेगा, इस फंक्शन में भी काम करेगा। और या कोई आपने चीज़ बनाई मेडिसन, उसके साथ इसको भी रगड़ाई कर दो, तो ये यहाँ पे भी पॉजिटिव रिस्पांस देगा। इसकी इन्फॉर्मेशन इसलिए देना ज़रूरी थी कि वो लोग जो कस्तूरी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिनको कस्तूरी के बारे में जो है ना बहुत है कि वो बहुत एक्सपेंसिव है, वो तो उनके लिए था कि वो इसके पैरेलल वो चीज़ इस्तेमाल करें जो सस्ती भी है। तो इसको आप उन माजूनों में भी इस्तेमाल कर सकते हो, अक्सर लोग जो कस्तूरी से बनाई गई माजून बनाते हैं,
ठीक है, बहुत सी चीज़ों को ऐड करके। तो वो अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप जुन बदस्तर को भी रगड़ाई करके किसी माजून में ऐड कर लो, तो ये भी उसी हिसाब से उतनी मकदार में लेके आप इसको ऐड कर सकते हो, तो ये भी आपको रिजल्ट देगा। इसके अलावा अपनी कोई चीज़ बनानी, अक्सर लोग मुख्तलिफ माजूनों को मिक्स कर लेते हैं, ठीक है, एक से दो माजूने उठाई मिक्स कर ली, ठीक है, उसमें अक्सर आजकल तो ये चल रहा है कि कोई भी एक दो माजूने लेके, ठीक है, दवाल मस्क ले लो, लबूबे कबीर ले, ऐसा एक दो माजूने लोग लेते हैं, उनको मिक्स अप करते हैं, फिर मेडिसन जो है मेडिसिन का नुस्खा उसमें मिक्स कर लेते हैं, दवाई को मिक्स कर लेते हैं। इस तरह की सिचुएशन में भी अगर आप ऊपर से जो बदस्तर को भी उसमें ऐड कर लो तो आपका जो रिस्पॉन्ड है, जो नुस्खे का रिस्पॉन्स है, वो मज़ीद बेहतर हो जाएगा। तो आज जस्ट आवर व्यू है, मैं हल्का हल्का टच कर रहा हूँ, डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको डिटेल से इस चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। तो ये चीज़ भी आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हो। आज का जो टॉपिक था वो जुन बदस्तर के ऊपर था और इसके मतलब थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह जो है उम्मीद है आप सब दोस्तों को ये टॉपिक अच्छा लगेगा, पसंद आएगा और आपके नॉलेज में इजाफा होगा। बाकी सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।